सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ग अष्टम गणित झारखंड बोर्ड का अध्याय 7 पाठ 7 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 2 बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 जो है वो सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। इसी सर्व समीका इसी आइडेंटिटीज़ के अनुसार हमको ये 2 नंबर में आपका 9 सवाल है, इसको हल करना है। तो हमने सवाल को बोर्ड पर लिखा है, आप अपने पुस्तक में 118 नंबर पेज में देख सकते हैं। लिखा है गुणनखंड कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपका हल हो गया। दूसरा सवाल है 4x² - 25y², तो 4 को हम लिख सकते हैं 2² x² - 5² y², इसको हम लिख सकते हैं 2x² - 5y² अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, अभी हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आसानी से। तीसरा प्रश्न में आप देखिएगा है 3a² - 24a⁴ b। यहाँ आप कैसे बनाइएगा सवाल को, b लिखा हुआ है a क्यूब, यहाँ e क्यूब है, घात 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 हम लोग क्या करेंगे, 3 इसमें भी है इसमें भी है, सर्वगुणनखंड 3 निकाल लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ भी है स्क्वायर यहाँ भी है ए स्क्वायर निकाल लेंगे, बी इसमें भी है इसमें भी है, इतना चीज़ निकाल लेने के बाद बचेगा यहाँ बी स्क्वायर माइनस 9a². अब इसको जैसे का वैसे फिर इसको तोड़ेंगे बी स्क्वायर माइनस इसको 3a² लिख सकते हैं। इसके बाद ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में, फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में, तो ई हो जाएगा 3a² b इंटू बी माइनस 3a और बी प्लस 3a। ये आपका सवाल इस तरह से बनेगा। 4 नंबर प्रश्न है ay² - ax² दोनों में क्या देख रहे हैं, ए पद दोनों पद में a है तो a को बाहर निकाले तो y² - x², अब ये आ गया a² - b² तो इसको लिख दीजिए y - x × y + x। यहाँ पे है 25ax² और 25a, तो आप क्या कीजिए 25a को ले लीजिए, बच जाएगा यहाँ x² - 1, तो ये हो जाएगा 25a और यहाँ हो जाएगा x - 1 × x + 1। इस तरह से तोड़ देंगे। ये सवाल 6 नंबर है x² / a² - r² / 25, तो हम इसको लिखेंगे x² x / a² - r/5² क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5² तो इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे x / a - r/5 × x / a + r/5। इस तरह से आपका ये 6 सवाल है। 7वां सवाल मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। 7वां सवाल है x⁴ - 1, इसको लिख सकते हैं x² - 2 और 1 को 1² तो ये टूट जाएगा x² - 1 और ये x² + 1, फिर ये टूटेगा, इसको 1 का स्क्वायर कहेंगे तो x - 1 × x + 1 x² + 1, ये यहाँ तक टूटेगा। इसमें क्या है कि x⁴ - 1 है तो इसको 2 का घात 2 कह सकते हैं, अरे 1 को हम 1 का वर्ग भी कह सकते हैं, तो ये टूट जाएगा a² - b² में तो a माइनस बी ए प्लस बी, फिर ये a² - b² के रूप में, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये 2 बार एक ही सवाल में 2 बार टूट रहा है। 8 नंबर जो है तो
आठ नंबर सवाल है आपका, ए का घात 4 माइनस ए माइनस बी का घात 4, इसको हम लिखेंगे ए का घात 2 का घात 2 माइनस ए माइनस बी का घात 2 का घात 2। फिर इसको हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ फिर ये जो पद है फिर टूटेगा नीचे, ए माइनस बी, ये स्क्वायर वाला पद है, ए माइनस बी ए माइनस बी, और एक बार टूटेगा ए प्लस बी, और ये जैसे का वैसे उतरेगा, इसको हम लोग को तोड़ना नहीं है, ये टूट जाएगा। देखिए ये ए माइनस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी, और ये वाला जो है जैसे का वैसे हम उतारते चले जाएंगे इसको, ये नहीं है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़िएगा तोड़िएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया तो बचा बी गुना, ये हो जाएगा टू ए माइनस बी, और ये वाला पद ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद। ये हो गया आपका आठ नंबर। नौ नंबर जो सवाल है वो है एक्स स्क्वायर बटे 25 माइनस 625, इसको हम लिखेंगे एक्स बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर वर्ग। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया था, एक्स माइनस एक्स बटे 5 माइनस 25, और इधर हो जाएगा एक्स बटे 5 प्लस 25। इस तरह से आपका जो है दो नंबर का सभी सवाल बन गया। आप एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए, घर में पुनरावृत्ति करते रहिए, बनाते रहिए। अगर कहीं आपको दिक्कत बुझाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जहाँ तक कोशिश होगा आपके डाउट को क्लियर करूँगा। धन्यवाद।